अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। आज हम बात क्यों करेंगे, वो है हाइड्रो पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया के ऊपर, कि साउथ एशिया में हाइड्रो पॉलिटिक्स किस तरह से हो रही है, उसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर तलाश करेंगे। वो कौन कौन से? व्हाट इज हाइड्रो पॉलिटिक्स? व्हाई हाइड्रो पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया इज गेटिंग अग्रेसिव? मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइड्रो पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। हाउ प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइड्रो पॉलिटिक्स? रोल ऑफ बिग पावर्स ऑन द एजेंडा ऑफ हाइड्रो पॉलिटिक्स? What the optimum solutions are for the resolution of hydropolitics? सबसे पहले हम बात करेंगे hydropolitics है क्या? Water की पानी के ऊपर सियासी है, पानी के ऊपर जो states हैं वो सियासत कैसे करती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको water हो, water politics function, water politics जो water के ऊपर सियासत है वो कैसे काम करती है, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। वाटर रिसोर्स एज ए पॉलिटिकल टूल, वाटर को एज ए पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया जो अग्रेसिवली डैम बना रहा है, वो अपनी पॉलिसीज को इजीली पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है कि अगर आप ये अपनी पॉलिसी चेंज करें तो मैं आप पानी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करूँगा। इसी तरीके जो सॉवरन स्टेट्स हैं, जितनी भी सॉवरन स्टेट्स हैं पूरी दुनिया में, वो पॉलिसी टूल्स बनाती हैं। और वो पॉलिसी टूल्स किस तरह के होते हैं? इंटर स्टेट पॉलिटिक्स होती है कि दो स्टेट्स के दरमियान जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से होगी वाटर को लेके, ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ वाटर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, पूरी वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो वाटर पॉलिटिक्स है वो किस तरह पे, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। साउथ चाइना सी की एग्जाम्पल लेते हैं। साउथ चाइना सी में जो बिग पावर्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ टसल में पानी को लेके, इसी तरीके से जो चाइना इंडिया की टसल है वो एक, उसको भी हम एज ए पॉलिटिकल पॉलिसी टूल ग्लोबल लेवल के ऊपर देख सकते हैं। व्हाई पॉलिटिक्स ऑन वाटर? वाटर के ऊपर पॉलिटिक्स होती क्यों? क्योंकि वाटर एक रेयर कमोडिटी होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी पाकिस्तान की हम एग्जाम्पल या साउथ एशिया में दें तो साउथ एशिया में जो वाटर स्कैसिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब पर कैपिटा जो वाटर है वो 1000 से भी कम रह गया। इसी तरीके से क्यों वो कम रहे? क्योंकि हमारी वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वाटर को हम अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, उसको उसको ऑप्टिमम लेवल के ऊपर ला के। नेक्स्ट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइड्रो पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हाइड्रो पॉलिटिक्स किस तरह से डिस्प्ले हो रही है, उसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उसका ओवरव्यू लेंगे। डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट है बेसिकली वो वाटर के ऊपर वो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम इसको ग्राफ के जरिए भी देखेंगे, लेकिन इसको हम ओवरव्यू में आपको इस तरह से दूंगा कि इंडिया जो डैम बना रहा है झेलम और चिनाब के ऊपर, बगलिहार और किशन गंगा डैम, और इसके अलावा इंडस के ऊपर भी वो छोटे डैम बना रहा है, और इसी तरीके से पाकिस्तान का उसके साथ टसल यही है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट है। इसी तरीके से जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, अफगानिस्तान काबुल रिवर के ऊपर डैम बना रहा है और उसको शहतूत डैम भी हम कहते हैं, और वो उसकी उसका मंतव्य क्या है, वो स्टांस क्या देता है कि जो हमारी आबादी है बेसिकली वो इंक्रीज कर रही है तेजी से, और उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं। बिटरनेस ऑफ वाटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के दरमियान जो बिटरनेस है उसको हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो 1962 की वॉर हुई थी उसमें जो बेसिकली जो डिस्प्यूट था वाटर का था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके ऊपर चाइना जो है वो डैम बना रहा है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया के ईस्टर्न साइड के ऊपर आके उसको उसकी जो क्रॉप्स हैं उसको वो शराब करता है, उसको पानी मिलता है क्रॉप्स में, तो इसलिए उनका जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है वो वहां से स्टार्ट हुआ था। फिर ये ऐसा ऐसा इसको पॉलिटिकल लेवल के ऊपर उन्होंने एक्सटेंड किया। वाटर कॉन्फ्लिक्ट जोन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसी तरीके से हम वैसे देखते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन उनका भी वाटर कॉन्फ्लिक्ट है फराखा डैम के ऊपर। नेक्स्ट इज तुर्कमानिस्तान ईरान, अफगानिस्तान ईरान तुर्कमानिस्तान जो टसल है पूरे रिवर बेसन जो है, ये तीन जो कंट्रीज हैं ये भी साउथ एशिया में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में वाटर के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखें कि इसको डिटेल व्यू लेंगे कि कहाँ कहाँ पे बेसिकली वाटर टसल है दुनिया में। इसको हम देखते हैं, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान की ये रिवर्स जो हैं, यहाँ से रिवर्स जितने भी हैं वो
कश्मीर के थ्रू पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे ही इंडिया जो है वो डैम बना रहा है कश्मीर, बगलिहार है, किशनगंगा डैम, इसी तरीके से इंडस के ऊपर भी वो डैम बना रहे हैं। और ये इनकी दोनों कंट्रीज की बेसिक टसल 1949, 1961, 1971 और 1999 की जो वॉर्स हैं, बेसिकली उसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखें वो बेसिक वॉटर ही था। नेक्स्ट, इंडिया और चाइना के दरमियान जो डिस्प्यूट है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, चाइना इसके ऊपर अग्रेसिवली बड़ा डैम बना रहा है। इससे क्या होगा, जो इंडिया की जो ईस्टर्न साइड है वो शराब नहीं होगी, ये वाली जो साइड, और यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी सीएसएस मूवमेंट स्टार्ट हुई हुई है, और अगर वहाँ पे वो डैम बन जाता है वहाँ पे इनको वाटर नहीं मिलेगा तो इसकी इंडिया की गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर वहाँ की जो मूवमेंट्स और ज़्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फराखा डैम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यहाँ पे वो बन रहा है, दोनों के दरमियान टसल है क्योंकि वाटर स्कैसिटी ज़्यादा है, इंडिया चाह रहा है कि मेरे जो लोग हैं या जो उनकी क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिले, फ्रेश वाटर मिले, इसी तरीके से बांग्लादेश। एक मैं पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे हम फ्रेश वाटर के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, देखा जाए तो इंडिया में गंगा रिवर है, गैंग्स इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है वो, लेकिन वो पोल्यूटेड है इसलिए उसका पानी जो है वो क्रॉप्स या दूसरे मकासद के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज हाउ हाइड्रो पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया इज गेटिंग अग्रेसिव, साउथ एशिया में वाटर पॉलिटिक्स अग्रेसिव किस तरह से हो रही है और क्यों हो रही है, क्योंकि साउथ एशिया में जो सबसे बड़ा वेपन है स्टेट्स के पास वो है वाटर, उसको एज ए स्ट्रेटेजिक वेपन भी यूज करते हैं। यूएनओ का जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि जो 20th सेंचुरी की वॉर्स थी वो ऑयल के ऊपर थी, जो 21st सेंचुरी की वॉर्स हैं वाटर के ऊपर होंगी। मोदी की भी इस तरह से स्टेटमेंट थी कि अगर अगर आप खून बहाएंगे तो उसके बदले हम आपका पानी रोक लें, इसको हम सिंपल इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अपर अपेरियन वर्सेस लोअर अपेरियन स्टेट्स, अपर अपेरियन स्टेट्स कौन सी होती हैं, यहाँ से पानी आ रहा होता है, यहाँ से सपोज इंडस रिवर है वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, तो वो दाखिल हो गया इंडिया से और फिर पाकिस्तान में एंटर हो रहा है, पाकिस्तान के पास तीन रिवर्स हैं, इंडिया के पास तीन रिवर्स हैं, तो फिर अब इंडिया जो है वो बेसिकली उसके पास एडवांटेज है कि वो जो पानी वहाँ से आ रहा है उसको वो रोक सके विद बाय बिल्डिंग डैम्स एंड सम अदर रिसोर्सेज रिजर्वॉयर्स वो बना रहा है वहाँ पे। जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है मिनिमम रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हम जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जो गंगा रिवर वो सबसे बड़ा रिवर है इंडिया का, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं पानी का क्योंकि वहाँ का पानी पोल्यूट हो चुका है। अब जो भी स्टेट्स हैं वो चाह रही हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वाटर हो, और जब फ्रेश वाटर नहीं होता रिवर्स के थ्रू तो फिर वो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज़ करने से जो उसका वाटर का टेबल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वाटर टेबल जब डिस्टर्ब होगा तो फिर वहाँ की जो ज़मीन है वो बैरन होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर वो किस तरह से प्ले कर रहा है हाइड्रोपॉलिटिक्स में। सबसे पहले जब आबादियाती निज़ाम शुरू हुआ उसमें लोग सबसे पहले एग्रीकल्चर करते थे, अब एग्रीकल्चर के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो एग्रीकल्चर के उससे शेयर करना शुरू कर दिया उसने कि जो जितनी भी एग्रेरियन सोसाइटीज़ हैं वो अब रॉ प्रोडक्ट्स से वो फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद वो सर्विसेज में आना शुरू हो। अब जिन स्टेट्स के पास फ्रेश वाटर नहीं है वो एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते, अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी नहीं जा सकती, जब इंडस्ट्री में फिर वो सर्विस सेक्टर की तरफ भी नहीं जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रो पॉलिटिक्स, प्लेयर्स पार्टिसिपेट किस तरह से कर रहे हैं हाइड्रो पॉलिटिक्स में। जैसा कि मैंने पहले भी अपने जो मैप था उसमें आपको आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पर डैम बन रहे हैं, बाई मेकिंग डैम्स इंडिया 3 गॉर्जेस डैम बना रहा है जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इसी तरीके से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो टसल है फराखा, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो फराखा डैम के ऊपर टसल है, इसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ काबुल रिवर के ऊपर जो टसल, जियो पॉलिटिक्स बाय द ग्लोबल पावर्स। अब जब ग्लोबल पावर्स देखती हैं कि दो कंट्रीज जो हैं वो वॉर की तरफ जा रही हैं, वो भी उसमें अपने पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी, क्योंकि जो अमेरिका है वो उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वेपन इंडस्ट्री, वो वेपन सेल करती है जहाँ पे वो वॉर्स हो रही होती हैं,
और फिर वो चीज चाहेगी कि इनकी जो पॉलिटिक्स है, इनकी जो लड़ाई है वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाए। फिर वो क्या करेंगी कि जो उनको कोशिश करेंगी, उनको कहेंगे वो ज्यादा डैम बनाएं। इसी तरीके से जो एक स्टडी है उसमें मैंने पढ़ा था कि जो इसराइल की कंपनीज हैं वो 350 डैम से ऊपर काम कर रही हैं इंडिया में। और फिर ये नेक्स्ट इज सिक्योरिटी थ्रेट इंटरेस्ट, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी फिर डेवलप होना शुरू हो जाता है स्टेट्स के दरमियान में, जब वो उनकी वाटर कंजम्पशन जो है या वाटर रिसोर्सेज हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशंस के हैं फॉर हाइडल डिस्प्यूट, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी स्टेट है जिन दोनों के दरमियान टसल है वाटर के ऊपर या किसी और भी मामला के ऊपर, उनको रिस्पॉन्सिबली प्ले करना चाहिए, उनको पॉलिसीज बनानी चाहिए, गवर्नमेंट्स को आपस में मिलकर काम करना चाहिए एक पॉलिसी टूल के जरिए, या उनके आपस में एग्रीमेंट साइन करने चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी साइन। रोल ऑफ रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया में सार्क है, SCO है, इसी तरीके से UNO ग्लोबल लेवल के ऊपर है, इनको आगे रोल प्ले करना चाहिए, इनको ऐसे पॉलिसीज बना के देनी चाहिए या इनको इंटरफेयर करना चाहिए कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो अग्रेशन की तरफ ना जाएं, बल्कि वो एमिकेबली जो अपने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, पॉलिसी मेकिंग एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। सिर्फ पॉलिसी मेकिंग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं होनी चाहिए बल्कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों के ऊपर होगी तो फिर ये ज़्यादा इफेक्टिवली रोल प्ले करेगी। थैंक यू वेरी मच, डेट वॉज ऑल फॉर टू डेज, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस करने हैं। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।